अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमला के बाद अब मौजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को दूसरी बार जनता को संबोधित किया। बता दें कि भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे हुए संबोधन में उन्होंने हमले की निंदा की। बाइडेन ने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। वहीं अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के दौरान मारे गए एक आम नागरिक के परिजन के प्रति संवेदना जताई और उसे हीरो बताया। ट्रंप पर अमेरिकी समय के अनुसार शनिवार और भारतीय रविवार सुबह जानलेवा हमला हुआ था। वहीं पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली में हुई गोलीबारी में वे बाल बाल बच गए। असॉल्ट राइफल से चली गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई। वहीं ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्पाइनर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। बता दें कि उनकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई है। वहीं फायरिंग में एक आम नागरिक की भी मौत हुई है।